तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू द माई चैनल जैसे कि आप लोग पता हुआ कि यहाँ पे हैश टैग पंकों पर आपको बी सी सी एल के रिगार्डिंग जितने भी सिलेबस होते हैं उन सभी को मैं यहाँ पे कवर कराता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ और साथ ही साथ जो लड़के बी टेक कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कोई भी अगर ऑफिशियल अपडेट आता है जो कि ए के यू की तरफ से होता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए उसको मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ तो ये जो बेसिकली जो वीडियो होने वाला है ये बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि बीटेक का जो अभी क्लास बिहार इंजीनियरिंग के तहत चल रहा है वो अभी ऑनलाइन चलेंगे या ऑफलाइन चलेंगे ठीक है और उसके साथ साथ मैं एक आधे नोटिस भी आपको दिखाऊंगा जिससे आपको ब्रॉड आइडिया लग पाएगा कि अभी आपको कॉलेज जाना उचित रहेगा या नहीं जाना उचित रहेगा ठीक है अभी मैं फिलहाल यहीं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉलेज आप लोग नहीं जाइए ठीक है क्योंकि कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं कोरोना वायरस को लेकर के अपडेटेड है जिसको मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो ए के रि रिगार्डिंग कोई भी अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैं आपको नोटिस ये दिखाना चाहता हूँ जो कि कल के डेट में ये नोटिस आया हुआ है ठीक है इस नोटिस को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि लिखा है कि दिनांक तीन चार दो हज़ार इक्कीस को आपदा प्रबंधक समूह यानी कि सीएमजी के तहत एक बैठक हुआ जिसमें से कि ये बताया जा रहा है कि कोविड नाइन्टीन के तहत जितने भी एजुकेशनल जो भी हब चल रहे थे जो भी इंस्टीट्यूट चल रहे थे उन लोगों को कुछ अपडेट किया गया है कि वो लोग अभी क्लास को अगर चलाना चाहते हैं तो वो बेसिकली क्लास को ऑनलाइन मोड चलाएं या ऑफलाइन चला रहे हैं तो वो कोविड नाइन्टीन के इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए क्लास को चलाएंगे ठीक है तो देखिए अभी फिलहाल आपको पता होगा कि होली के अवसर पे सभी लोगों को छुट्टी दिया गया था ठीक है तो होली के अवसर पे बहुत सारे लड़के घर पे आए हुए हैं और घर से जब वो कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर चांसेस बनती है कि वहाँ पर किसी को भी एक को भी इन्फेक्टेड होगा कोविड नाइन्टीन की वजह से तो वो कॉलेज को पूरा डिस्टर्ब कर सकता है तो इसके रिगार्डिंग कुछ, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि ये स्टेप लेने वाले हैं कि वो अपना क्लास ऑनलाइन मोड में रन करेंगे कुछ कॉलेज जो हैं वो ऑफलाइन मोड में रन कर रहे हैं ठीक है तो जो लोग ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं अभी कॉलेज में उन लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो लोग बड़ी मतलब कि पूरा एकदम मतलब कोविड नाइन्टीन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ऑफलाइन क्लास चलेंगे या अगर उनके पास फैकल्टी है उनके पास उतना एबिलिटी है कि वो ऑनलाइन क्लास को रन करा सकते हैं तो उनको ऑनलाइन क्लास चलाने की अनुमति दी गई है यानी यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं लगा है कि आप ऑफलाइन क्लास चलाओ या ऑनलाइन चलाओ दोनों स्वतंत्रता दी गई है कोविड नाइन्टीन के न्यू इंस्ट्रक्शन के तहत कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ से चला सकते हो ठीक है तो जिस कॉलेज में ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल होगी वो लोग ऑनलाइन ही चलाएंगे जिसमें ऑफलाइन की फैसिलिटी होगी लेकिन वो कोरोना वायरस को लेकर के जो पूरा इंस्ट्रक्शन जो भी दिया जाए सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मास्क सैनिटाइजेशन वगैरह वगैरह वो करके अपना क्लास चलाएंगे ठीक है तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि जो कॉलेज में लड़के अभी जा चुके हैं तो वो ऑफलाइन क्लास भी हॉस्टल से बैठ के ही आ, मतलब कि अटेंड करेंगे और जो लड़के अभी घर पे हैं वो प्लीज़ अभी घर पे ही रहें क्योंकि न्यू इंस्ट्रक्शन दिया गया उसमें ये बताया जा रहा है कि ग्यारह तारीख़ के बाद से कोई डिसीजन आएगा प्रॉपर ठीक है ग्यारह तक जो है क्लास को अभी मतलब कि जो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं मतलब मैंने देखा था नोट चलिए आपको दिखा भी देता हूँ वो वाला नोटिस तो देखिए जो मैं नोटिस की बात कर रहा था वो नोटिस यही है इस नोटिस में ये बताया गया है कि जो सभी कॉलेज जो ए के तहत चल रहे थे उन सभी कॉलेजों को आदेश दिया गया था कि वो पाँच तारीख से अपना कॉलेज को ओपन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस बट उस पाँच तारीख को अभी स्टार्ट करने के बजाय उसको अभी ग्यारह तारीख को स्टार्ट करने की मतलब कि ये प्रस्ताव रखा गया है कि वो पाँच तारीख से ना स्टार्ट करके वो ग्यारह तारीख से करेंगे तो प्लीज़ गज आप लोग वेट कर लेना घर पे होगे तो कि ग्यारह तारीख के बाद जो जो भी डिसीजन आएगा उसके अनुसार ही आप कॉलेज आना ठीक है कुछ कॉलेज मैंने देखे हैं कि वो ऑनलाइन मोड में अपना ये एजुकेशनल जो भी है फैसिलिटी वो ऑनलाइन कर दिए हैं ठीक है जिसमें से कि एल एन छपरा वाला कॉलेज भी है तो चलिए उसका आपको नोटिस दिखा देता हूँ मैं तो ये नोटिस जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एल एन छपरा का है इसमें ये देखिए आपको नोटिस यहाँ पे दिया गया है कि ऑल फैकल्टी स्टाफ एंड स्टूडेंट हैरली इन्फॉर्म दैट द व्यू ऑफ़ द डायरेक्शन यानी कि गाइडलाइन इशूड बाय द होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार क्लासेस ऑल ऑल स्टूडेंट विल बी हेल्ड इन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड ठीक है यानी कि ऑनलाइन मोड में ये यह क्लास यहाँ पे रन कराया जाएगा तो जिनके कॉलेज में भी फैकल्टी होगी ऑनलाइन क्लास की तो वो ऑनलाइन क्लास ही अटेंड करेंगे तो प्लीज़ यार आप भी सेफ रहना सिक्योर रहना घर पर रहना और मतलब घर से ही क्लास को अटेंड करना ठीक है तो अभी जितना भी है मैंने यहाँ आप पे आपको बता दिया है जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके बता सकते हो ए के यू के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा और ऐसे ही अपडेट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट एक और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में